से इस देश के एक भी मुसलमान का, एक भी माइनॉरिटी का नागरिकता का अधिकार नहीं जाने वाला है। सीए के लिए ये समस्त विपक्ष, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, बसपा, सपा, ममता दीदी, ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? किससे माइनॉरिटी के नागरिक अधिकार चले जाहेंगे? अरे इतना झूठ काहे को बोलते हो? प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, मैंने संसद के फ्लोर पर कह दिया, मैं आज फिर से यहां रिपीट करना चाहता हूं, सीएए से इस देश के एक भी मुसलमान का, एक भी माइनॉरिटी का नागरिकता का अधिकार नहीं जाने वाला है। क्योंकि सीएए नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, नागरिकता देने का कानून है। और नागरिकता किसको देनी है? देश का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद लाखों लाखों लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान रह गए, जो हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे, ईसाई थे, ये सारे लोग जो वहां रह गए, उनका उत्पीड़न हुआ, धर्म परिवर्तन किया गया, छोटी छोटी बच्चियों को अगवा कर दिया गया, उनका निकाह पढ़वा दिया गया, उन पर बलात्कार किए गए, धर्म स्थान तोड़े गए, और ये सारे लोग अपनी समान को बचाने के लिए भारत की शरण में आए, भारत में आए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 70 साल हो गए, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास नागरिकता नहीं है, रहने का घर नहीं है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, वो लोग कहां जाए? उनके मानव अधिकार का क्या? वहां जाते हैं तो धर्म परिवर्तन करते हैं, मार डालते हैं, यहां आते हैं तो नागरिकता नहीं मिलती है। कांग्रेस पार्टी का हरेक नेता 50 के दशक में बोला है कि जो हिंदू और सिख शरणार्थी आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे। मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 27 अलग अलग जगहों पे उनके प्रमुख नेताओं ने वचन दिए हैं, मगर वचन का पालन नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी आए, उनको भी मालूम था कि बदनाम किए जाएंगे हमारी सरकार को, मगर हम सत्य के लिए कदम उठाते हुए डरते नहीं है। मोदी जी संसद में सीएए लेकर आए और लाखों करोड़ों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनों को नागरिकता का तोहफा देने का काम किया।